महाभारत के कुछ ऐसे पात्र जिनसे हमें ये सीखने को मिलता है, अगर ये हमारी ज़िंदगी में होते तो ये हमारी ज़िंदगी को पलट कर रख सकते हैं। नंबर वन, कर्ण। कर्ण एक ऐसा इंसान था जो दुर्योधन का दोस्त था। वो अच्छी तरह दुर्योधन को जानता था, उसके गलत कामों को जानता था, लेकिन उसने अपनी दोस्ती निभाई। उसने हमेशा उसका साथ दिया, उन्हें दान देना नहीं छोड़ा। उसकी माँ कुंती, जिन्होंने कर्ण को छोड़ दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी माँ कुंती की बेइज्जती नहीं की, उनका अनादर नहीं किया, उन्हें हमेशा इज्जत दी। नंबर टू, कृष्ण। किशन जी जानते थे कि पांडव तो सिर्फ पांच है, लेकिन कौरवों की इतनी बड़ी सेना उनका कुछ सब कुछ बिगाड़ सकती है, लेकिन फिर भी किशन जी ने सारथी बनकर पांडवों का साथ दिया, क्योंकि पांडव धर्म के साथ थे। पांडव उनकी इज्जत करते थे और उनके कहा को मानते थे, इसलिए किशन जी हमेशा पांडव के सारथी बनकर चले। नंबर थ्री, युधिष्ठिर। सब जानते हैं युधिष्ठिर धर्मराज धर्म को मानते हैं, और जो लोग धर्म को मानते हैं वही जीवन में आगे बढ़ते हैं। इसलिए किशन जी युधिष्ठिर जैसे लोग, यदि युधिष्ठिर जैसे लोग हमारे समाज में होंगे, यानी धर्म जिंदा होगा, तो हमारा समाज में कोई नुकसान नहीं होगा, हमारा समाज प्रगति की ओर बढ़ते देर नहीं लगेगी। नंबर फोर, भीष्म। भीष्म पितामह एक ऐसे गुरु थे जो सब कुछ जानते हुए एक योद्धा थे, बहुत बड़े योद्धा थे, लेकिन उन्होंने अपनी करनी के अनुसार दुख भोगा। यदि उनके कर्म अच्छे होते तो वो दुख नहीं भुगतते, लेकिन उन्होंने दुख भुगता। लेकिन भीष्म पिता जैसा योद्धा यदि हमारे साथ हो तो हम जीवन में हर चीज़ हासिल कर सकते हैं। हमें ना बल की ज़रूरत पड़ेगी ना बुद्धि की, वो हमें सही रास्ता भी दिखा सकते हैं। हमें अपने गुरु को ऐसा चुनना चाहिए जो हमें सही मार्ग दिखाए, ये जीवन की सीख है। यदि आप याद रख कर आगे बढ़ेंगे तो आप ज़रूर सफल होंगे।